बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सा दिन है जिस दिन अल्लाह 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है? सही जवाब है जुमातुल मुबारक के दिन। इस्लाम से पहले जुमा को क्या कहा जाता था? सही जवाब है इस्लाम से पहले जुमा को अरूबा कहा जाता था। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का नाम हव्वा क्यों रखा गया? सही जवाब है क्योंकि वो जिंदा से पैदा हुई, हव्वा हई से निकला है जिसका मतलब है जिंदा। अल्लाह ताला ने कुरान में किन दो फलों की कसम खाई है? सही जवाब है अंजीर और जैतून की। हज के दौरान कौन सी दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं? सही जवाब है मगरब और ईशा। कौन से इस्लामी मुल्क की कौमी जुबान अंग्रेजी है? सही जवाब है नाइजीरिया। कौन सी फर्ज नमाज है जिसकी कजा नहीं? सही जवाब है नमाज जनाजा।